मध्य प्रदेश सरकार फसलों को बढ़ावा देने के लिए समर्थन मूल्य पर अधिक राशि अदा करके किसानों के उपज खरीदती है ताकि अन्नदाता की उन्नति हो सके और उपज के मामले में प्रदेश को देश एवं विश्व में अलग पहचान मिल सके। लेकिन सरकार की इस मंशा पर अधिकारी कर्मचारी पानी फेरने में कोई कसर नहीं छोड़ते। सक्रिय बिचौलियों के इशारे पर गिरदावरी चढ़ाने का कार्य कर रहे पटवारी ने मूंग की फसल से लहलाते खेत को ही खाली बता दिया। किसानों की गिरदावरी में गड़बड़ी करने का मामला कटनी जिले के बड़वारा तहसील क्षेत्र से सामने आया है, जहां पटवारी ने गिरदावरी चढ़ाने में बड़ी गड़बड़ी करते हुए बिना जांच किए ही मूंग की फसल से लहलाते हुए खेत को खाली बता दिया। इस मामले से पीड़ित किसान सुनील कुमार साहू ने कहा कि मेरे 4 एकड़ के खेत पर मूंग की फसल लगी हुई है, इसके बावजूद भी पटवारी ने बिना खेत का निरीक्षण किए ही खेत को खाली दर्शा दिया। तहसीलदार महोदय के यहाँ आवेदन दिया हूँ, मेरे खेत में मूंग बोई है लेकिन पटवारी द्वारा गिरदावरी नहीं किया गया और पूरा खेत खाली लिख दिया गया और ना पटवारी कभी वहाँ जाते भी नहीं है। वहाँ 100-200 रुपये वाली कर्मचारी रख के और घर बैठ के पूरा काम करते हैं और मेरा 2 एकड़ मेरा मेरे भाई का 2 एकड़ 4 एकड़ मूंग बोई है और आप जाँच कर लीजिए जाके और पूरे बड़वारा क्षेत्र में यही हाल किसानों का है। इस मामले पर किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष सोनीलाल साहू ने कहा कि ऐसे क्षेत्र में कई किसान हैं जिनकी गिरदावरी अभी तक नहीं चढ़ी है। मैंने तहसीलदार से इस मामले की शिकायत की है, अधिकारी सही तालमेल बनाकर किसानों के साथ काम नहीं कर रहे हैं, ये विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही है। कि बार बार मेरे को सूचना मिल रही थी कि किसानों की गिरदावरी जो है मूंग की फसल की नहीं चढ़ाई जा रही, हालांकि मैं कई पटवारियों से संपर्क भी किया और कईयों ने किया भी है और कई लोग कर भी नहीं पाए। ऐसे कई किसान हैं जिनकी गिरदावरी नहीं चढ़ी और कल मूंग के रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है, उसी संबंध में जब आज किसान मेरे पास आए और बताए कि हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा, मैंने पटवारियों की कार्रवाई के हिसाब से मैंने तहसीलदार जी को एक चिट्ठी लिखा है और शिकायती पत्र दिया है। मामले पर बड़वारा नायब तहसीलदार सुनीता मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि गिरदावरी पर गड़बड़ी होने की शिकायत प्राप्त हुई है, पूरे मामले की गंभीरता से जांच कराई जाएगी, जो भी तथ्य सामने आएंगे उस पर नियम अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्राप्त हुई है उस पर हम जानकारी लेंगे और ये भी जानकारी मतलब आप लोगों के माध्यम से मैं पहुंचाना चाहती हूँ कि कृषक बंधु किसान ऐप के माध्यम से भी स्वयं गिरदावरी कर सकते हैं और दावा आपत्ति के नियत समय अवधि में वो आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं और जो भी शिकायत प्राप्त हुई उस पर हम दिसंबर जो भी होगा इसकी जाँच करा करके नियम अनुसार जो भी कार्रवाई। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रुपए दिए जाएंगे, ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।